Okay, students, today we are going to begin with the topic pleiotropy, right? Yesterday we have discussed what is polygenic inheritance, right? Or what is quantitative inheritance? In quantitative inheritance or polygenic inheritance, we have discussed that a single character is governed by more than one gene. Right? Or I can say more than one gene is responsible for one single character or trait. Right? Means, kal jadon assi kita si human skin color the example, ode vich assi discuss kita si ki single character like color of the skin in case of human beings is influenced by more than one gene or expressed by more than one gene. Like we have three genes A, B and C. All these three genes, they together express the character, right? Three genes were responsible for human skin color. Kal assi discuss kita si. Te ode six alleles hunde ne. Okay. Aaj jada assi topic start karan ja rahe hain, that is pleiotropy. वो की है अ कंडीशन इन विच सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट. कल तो उल्टा रिवर्स है. कल करैक्टर एक सी बट ओदे पिछे जड़े जीन्स रिस्पोंसिबल सी ओ मोर देन वन सी. आज जीन एक है तो करैक्टर मोर देन वन है जिन्हां नूं ओ जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है. सिंगल जीन दैट फिनोमिना और कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी. एंड एहो जिहा जीन जड़ा मोर देन वन ट्रेट नू इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन, राइट? सो प्लियोट्रॉपी अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर देखा या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर देखा तो प्लियोट्रॉपी जिहड़ी है वह किस करके या वह एक सिंगल जीन मोर देन वन ट्रेट नू किवें इन्फ्लुएंस करता है तो साडे अंदर कुछ मैटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं. मैटाबॉलिज्म यू ऑल नो जिन्हें भी बायोकैमिकल रिएक्शन साडे अंदर चल रही है उन्होंने पाथवेज होंगे ने दे आर इंटर रिलेटिड. तो जो इंटर रिलेटिड पाथवेज होंगे ने आपस च रिलेट करते हुए पाथवेज तो उन्होंने कई बार इदा होंगे कि एक जीन मोर दैन वन प्रोडक्ट बनाता है अपने आप को एक्सप्रैस करा के, ठीक है? सो उदे करके अलग अलग पाथवेज बनते हैं क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे, पाथवे अलग अलग ने, पर क्योंकि वह इंटर रिलेटिड ने तो उन्होंने जीनस इको ही रिस्पोंसिबल है, ठीक है? हुण मैं तुहानू कहा कि जिहड़ा ये प्लियोट्रॉपिक जीन है स्टूडेंट्स ये मोर दैन वन करैक्टर नू इन्फ्लुएंस करता है. या तुसी इदां कह दो जिवें पंजाबी सिंपल पंजाबी च कहां तो एक जीन है तो जिहड़े इफेक्ट शो कर रहा है, प्रभाव शो कर रहा है या जिहड़ियां ओह चीज़ां एक्सप्रैस करके प्रोडक्ट बना रहे हो एक तो ज़्यादा है. सो ओह जिहड़े एक तो ज़्यादा इफेक्ट शो करता है उन्हां चों एक इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा एविडेंट हुंदा, ज़्यादा विजिबल हुंदा, ज़्यादा दिखदा है या ज़्यादा प्रोमिनेंट हुंदा, असीं उहनूं मेजर इफेक्ट कहने हां. तो जिहड़ा इफेक्ट घट विजिबल होवे, घट दिखे या घट प्रभाव करे उस इफेक्ट नूं उहनूं सेकेंडरी इफेक्ट कहिंदे आ. क्लीयर हो गया? मीनस मैं तुहानूं गल दसदी हाँ. सपोज तुसीं एक समय ते दो काम कर रहे हो, तुसीं एक समय ते नोट्स भी बना रहे हो ते नाल नाल तुसीं एक समय ते सोंग्स भी सुन रहे हो, ठीक है? जो तुसी एक समय ते मल्टीटास्किंग करते हो तो एक काम तुसी ज़्यादा कंसंट्रेशन ना करते हो तो एक काम तुसी कर सोंग्स तुहाडे एक अलग जे कह लो सेंस च चली जा रहे, एक अलग मोड में चली जा रहे, उस तुसी ध्यान नहीं दे रहे कि हाँ हुण जिहड़ा सिंगर उन्हें की बोलिया. पर जो तुसी नोट्स बना रहे हो तुसी ध्यान ना बना रहे हो क्योंकि तुहानू पता है स्पैलिंग एरर ना हो जाए. सो जिहड़ा काम तुसी मेजर कंसंट्रेशन ना कर रहे हो मेजर इफेक्ट, तो जिहड़ा काम तुसी घट कंसंट्रेशन ना कर रहे हो सेकेंडरी इफेक्ट. तिवें जिहड़ा प्लियोट्रॉपिक जीन है जिहड़ा एक्सप्रैशन ज़्यादा एविडेंटली जिहड़ा ट्रेट ज़्यादा एविडेंटली इफेक्ट करता है या मोर प्रॉपर तरीके जिहड़ा इफेक्ट शो करता है जिवें सिंपल लैंग्वेज कहां तो मेजर इफेक्ट है, तो जिन्हों हल्का फुल्का जे इन्फ्लुएंस करता है वह सेकेंडरी ट्रेट है या सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है जी? मतलब एक काम थोड़ी ज़्यादा चंगे तरीके ना करना, एक थोड़े घट चंगे तरीके ना, एवें असी सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं.
सो लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी जिवें कहिंदा कॉटन का केस है कॉटन के केस दे विच एक सिंगल जीन अ जीन सिंगल जीन जिहड़ा है वह किड़िया चीज़ों नू अफेक्ट करता है एक लिंट फॉर्मेशन बेटा लिंट हुंदा एक फाइबर का कट्ठा जिहा हो जाता ना थ्रैड जिहा जिवें किसी कपड़े के उत्ते दैट इज़ लिंट जिवें तुसीं किसी कपड़े नू मशीन वॉश करते हो तो तुसीं देखते हो कई बार तुहानू थ्रैड्स का गुच्छा जिहा मिलता है कट्ठा होया ठीक है जी कॉटन दे विच जिहड़ा जीन लिंट लई रिस्पोंसिबल है उही जीन हाइट ऑफ द प्लांट लई भी रिस्पोंसिबल है उही जीन साइज ऑफ द बॉल हुंदा जिहड़ा सीड हुंदा सीड बियरिंग कैप्सूल जिच सीड हुंदा उह कैप्सूल नूं बॉल कहिंदे नंबर ऑफ ओव्यूल्स इहदे लई भी इही जीन रिस्पोंसिबल है वायबिलिटी ऑफ सीड सीड किन्ने समें लई वायबल रहेगा इस चीज़ दे लई भी इही जीन रिस्पोंसिबल है कैन यू इमेजिन जीन इक्को ही है बट ओ एक दो तीन चार पांच करैक्टर्स या पांच ट्रेट्स नू इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लियर है जी होर एग्जाम्पल ले लो इन गार्डन पी दे विच जेड़ा जीन फ्लावर दे कलर नू कंट्रोल करता है ओही जीन सीड दे कोट कलर नू या प्रेजेंट ऑफ रेड स्पॉट्स ऑन लीफ एग्जिल ते जेड़े लाल रंग दे धब्बे ने जां सीड कोट सीड दा जेड़ा बारला कवरिंग दा कलर है उन्नू ओही जीन इन्फ्लुएंस करता है जेड़ा फ्लावर ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर नू करता है मीन जीन एक है काम एक तो ज्यादा ने साडे ह्यूमन बीइंग्स दे विच वी प्लियोट्रॉपी दी एक एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी जेड़ा जीन कहिंदा इन्फ्लुएंस करता है वह वाला जीन एक तो ज़्यादा करैक्टर नू लैंदा जिवें सिकल सैल अनीमिया दा आपां पढ़ांगे कि किवें उहदे विच इक्को ही जीन है तो किन्ने सारे काम कर रहा है एक फिनाइल किटो यूरिया है ये दीज आर द टू सिंड्रोम्स और डिजीज़ ने जिहड़ियां असीं लेटर ऑन बहुत डिटेल दे विच डिस्कस करांगे राइट सो नेक्स्ट हुण असीं डिटेल च डिस्कस करन जा रहे हैं ये हो गया कुछ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी वैसे जस्ट यू हैव टू रिमैंबर द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स हुण असीं कुछ एग्जाम्पल नूं डिटेल च करांगे जिहड़े फर्दर भी साडे लई यूज होणगियां वट इज़ सिकल सैल अनीमिया क्योंकि असीं लेटर ऑन एक टॉपिक दे विच डिस्कस करना है बच्चों कि जिहड़ा सिकल सैल अनीमिया है उहदे असीं क्रॉसिस बनाने ने सिकल सैल अनीमिया दे पिछे किहड़े जीन्स रिस्पोंसिबल ने सारी चीज़ असीं लेटर ऑन डिस्कस करांगे पर असीं फिलहाल इत्थे एक ओवरव्यू एक रफ जिहा ओह लैणा आइडिया वट इज़ सिकल सैल अनीमिया बेटा पहली गल सिकल सैल अनीमिया एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटोसोमल पहला मैं तुहानू वर्ड का मीनिंग दस दें दैन असीं इहनू फरदर डिस्कस कर पावांगे बेटा यू ऑल नो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन ऑल आर सैल्स और न्यूकलीअस साढ़े को टोटल किन्ने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होंगे 23 आउट ऑफ 23 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स 23 दे विचो 22 नू असी की बोलते हैं बच्चों ऑटोसोम्स और एक पेयर जिहड़ा वन पेयर असी उन्नू बोलते हैं सैक्स क्रोमोजोम जिहड़ा किसी भी ऑर्गेनिजम का सैक्स डिटरमाइन करता है वैदर ऑर्गेनिजम मेल है या फीमेल है एंड जिहड़े 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ने विच आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स वो साडे बॉडी के बाकी सारे करैक्टर्स नू इन्फ्लुएंस करते हैं कि लाइक हाइट है आई कलर है हेयर द टैक्सचर है सो ऑन ठीक है जी ऑटोसोम तो सैक्स क्रोमोसोम क्लीयर हो गए सो आउट ऑफ दैट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसी एक ते ਇਹ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਜੀਨਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਟੋਸੋਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਪਿਆ HbA HbA जीन प्रोड्यूस करता नॉर्मल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन तो तुहानू पता ही है जिहड़ा तुहाडी ब्लड की एक पिगमेंट है विच कैरीज ऑक्सीजन जिहड़ी ऑक्सीजन नू कैरी करती है ठीक है पता ना हीमोग्लोबिन सो लेकिन अगर किसी नू ए वाली बीमारी हो जाए ड्यू टू सम रीजन सिकल सैल अनीमिया तो उन्हों का जिहड़ा नॉर्मल जीन है HbA वो इनस्टैड ऑफ HbA की प्रेजेंट होगा उन्हां च HbS ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ HbA ਤਾਂ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ
पर जदों ओ वाला जीन एच बी ए इज रिप्लेस्ड बाय एच बी एस, मतलब उस बंदे नू सिकल सैल अनीमिया हो गया, तो उन्होंने जिहड़ी रेड ब्लड सैल की शेप है वो किस शेप दी होगी? सिकल शेप, दाती सिकल शेप। सो जदों इहदी शेप सिकल शेप हो जाती है, सरफेस एरिया घट जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कपैसिटी घट जाती है। सो सिकल सैल अनीमिया वाले पेशेंट के केस च उन्हां दी जिहड़ी ब्लड सैल्स ने वो ऑक्सीजन घट कैरी करदे। हुण तुसीं इमेजिन कर लो जे तुहाडे सारे ऑर्गनस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो काम कितना करनगे, राइट। उस तो बाद ये तो मैं तुहानूं दसदा कि जे एच बी ए की जगह एच बी एस आ गया तो प्रॉब्लम किन्नी वड्डी है। पर बायो मतलब असी जे कैमिकली सोचिए तो साडी बॉडी च पता की हो रहा है, जदों एच बी एस जीन आ गया ना सिकल सैल अनीमिया वाला, ताड़ी मतलब जदों वो कोई भी जीन है, असी अगे पढ़ना नैक्सट चैप्टर च, कोई भी जीन है डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रैस कराता, आरएनए बनता, आरएनए तो अगे प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीनस आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर एक सपोज कोई भी एक सबसटैंस है, कोई भी एक जिम्मे हम हीमोग्लोबिन ही है, ये प्रोटीनस की चेन्स का बनया हुआ है, ओ प्रोटीन दी चेन्स दे विच अमाइनो एसिड ने, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड दे बनते, एक भी अमाइनो एसिड अगर चेंज हो गया, एक भी अमाइनो एसिड च अगर कोई ना कोई बदलाव आ गया तो पूरी दी पूरी प्रोटीन चेन ही चेंज हो जाएगी, तो ओ जड़ा प्रोटीन बनया वह प्रॉब्लम च वह गलत हो जाएगा, वह बनॉर्मल हो जाएगा। तिवें ही जदों सिकल सैल अनीमिया दे केस च एच बी ए जीन दी जगह केड़ा जीन आ गया? एच बी एस। तो नॉर्मली की सीगा, एक जदों ये अपने आप को एक्सप्रैस कराते जीन, एक इस जड़ा हीमोग्लोबिन है वो चेन दे विच एक अमाइनो एसिड होंदा, स्टूडेंट्स वो अमाइनो एसिड होंदा ग्लूटामिक एसिड, सिक्स्थ पोजिशन ते प्रेजेंट होंदा ग्लूटामिक एसिड, जिहड़ी चेन होंदी है ना पूरी प्रोटीन की उहदी छेवीं पोजिशन ते ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होंदा। पर जदों ए वाला जीन एच बी ए की जगह एच बी एस लग जाता सिकल सैल अनीमिया वाला, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह सिर्फ एक अमाइनो एसिड बदलिया है छेवें नंबर वाला, बाकी सारी चेन नॉर्मल है, बाकी सारी चेन ठीक है, बट एक अमाइनो एसिड जिथे छेवें नंबर से ग्लूटामिक एसिड सीगा उहदी जगह पर बच्चों की लग गया, उहदी जगह पर लग गया वेलीन, बोथ आर द अमाइनो एसिड। जदों सिक्स्थ पोजिशन पर बच्चों वेलाइन लग गया ता उदों देखो चेन बाकी सारी सही सी, बट बाकी सारी चेन च कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बट सिक्स्थ पोजीशन ते जदों प्रॉब्लम आ गई सारी चेन दा एक्सप्रेशन बदल गया, ता हीमोग्लोबिन जेड़ा पहला नॉर्मल हुंदा सी ओ हुण सिकल शेप्ड आरबीसीज बन गए, हुण ए बीमारी लग गई जिस बंदे नूं, उहदे करके की है ओ जिहड़ा इन ह्यूमन बीइंग है उहदे रेड ब्लड सैल्स की ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करन की कपैसिटी घट गई, ठीक है जी। सो देखो होया कि हुणे हुणे मैं तुहानूं दस्सिया जीन इक्को ही है, बट जिहड़े ओ जीन करैक्टर नूं इन्फ्लुएंस कर रहे हो मोर दैन वन है, तो कोई करैक्टर मेजर इफेक्ट हुंदा है, तो जे कोई इफेक्ट कोई प्रभाव मेजर इफेक्ट हुंदा है तो कोई माइनर हुंदा है, जे जिन्नू असीं सेकेंडरी इफेक्ट कहिंदे आ। सो जदों आ प्रॉब्लम आई ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलाइन एट सिक्स्थ पोजिशन, तो इहनूं असीं कहिंदे मेजर इफेक्ट। तो जिहड़े बाकी इफेक्ट की आए, बाकी इफेक्ट ये आए कि जिदा आरबीसीज की शेप बदल गई, राउंड तो सिकल हो गई, ठीक है, सिकल शेप्ड होण करके वो जिहड़े आरबीसी से ब्लड दियां कैपिलरीज अड़ने शुरू हो गए, उन्हें ब्लड का फ्लो रोकना शुरू करता, दीज आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स। मैं रिपीट कर दी हाँ बच्चों, असी टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लियोट्रॉपी, मीनस करैक्टर और ट्रेट इक्को ही है, बट उहदे पिछे जीन्स इक तो सॉरी जीन्स इक्को ही है, पर वो जिहड़े करैक्टर इनफ्लुएंस कर रहे हो मोर दैन वन है। असी कल पढ़िया सी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कि मोर दैन वन जीन इनफ्लुएंसेस अ सिंगल करैक्टर, अज उल्टा पढ़ रहे हैं करैक्टर एक तो ज्यादा ने तो जीन्स इक्को ही है, ठीक है जी। जिवें मैं तुहानूं हुणे दस्या कि जेड़ा जीन साडी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनांदा है एच बी ए, इट इज़ प्रेजेंट ऑन वन ऑफ द क्रोमोजोम ऑटोसोम, बाइया चो एक क्रोमोजोम ते वाला जीन प्रेजेंट है, जदों एक किसी कारणवश एच बी ए इज रिप्लेस्ड और सबसीट्यूटेड बाय एच बी एस,
जो ये वाला जीन एच बी ए की बजाय एच बी एस हो जाए तो पूरे का पूरा इफेक्ट ही चेंज हो जाता है। एच बी ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, एच बी एस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। किवें कि जिहड़ी वह चेन बना रहा है कोई भी जीन अपने आप जो एक्सप्रैस कराता है प्रोटीनस बनते हैं, वो जी अमाइनो एसिड की चेन बना रहा है, प्रोटीन की चेन बना रहा है। छेवीं पोजिशन से पहला ग्लूटामिक एसिड से, हुण की आ गया वलाइन, जिदे करके पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही बदल गया, वो ऑक्सीजन कैरी करने की कपैसिटी घट गई। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वलाइन, मेजर इफेक्ट। तब जिहड़ी बाकी प्रभाव आए है, शेप ऑफ द आरबीसी बदल गई, ब्लड दियां वैसल्स बदल गई, दिस इज द दीज आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स, राइट। सो ए साढ़े को एक नोट भी है कि नॉर्मली रेड ब्लड सैल की शेप बाइकन केव होंगी है, बट जदों और नॉर्मल आरबीसीज एक प्रोटीन पैदा करते, मैं क्या सी ना एक प्रोटीनिशियस चेन पैदा होंगी, उस चेन नू स्फेरेडिन कहिंदे ने। अगर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वलाइन तो स्फेरेडिन नहीं बनेगा, शेप ऑफ द आरबीसीज बदल जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर योर नॉलेज। ए सीगी सिकल सैल अनीमिया दी डिजीज। फिर आ गई सैकेंड डिजीज फिनाइल किटो यूरिया। फिनाइल किटोन यूरिया दे विच की हुंदा है, ए डिजीज भी किसी जीन दे विच प्रॉब्लम आन करके हुंदी है, ठीक है। नॉर्मल जदों को ए वाला जीन सीगा एक एंजाइम पैदा करदा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, पर जदों इस जीन दे विच प्रॉब्लम आ जांदी ए वाली जिहड़ी एंजाइम है, क्योंकि प्रोटीनिशियस होंदी है ना एंजाइम भी, एक्सप्रैस जीन दे एक्सप्रैस करन दा मतलब है जीन्स अपने आप नूं एक्सप्रैस करा के डीएनए तो आरएनए बनता, आरएनए तो प्रोटीनस, आ एंजाइम नॉर्मली बन रही सी। और ये एंजाइम का काम की है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज का, साडी बॉडी च एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, उन्हूं कन्वर्ट करना इंटू टायरोसिन। पर जे ए वाले जीन दे विच कोई ना कोई म्यूटेशन, कोई ना कोई चेंज, म्यूटेशन मीन सडन चेंज आ गई, तो ए वाली एंजाइम प्रॉपरली नहीं बनेगी, फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। जे वाली एंजाइम ना बनी, अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन तो टायरोसिन नहीं बनूगा, फिनाइल एलानिन साड़ी बॉडी दे विच कट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिनाइल एलानिन दे कट्ठे उन्नू हाइपर फिनाइल एलेनीमिया कहिंदे ने, जिदे करके साड़ी बॉडी च फिनाइल एलानिन कट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो यूरिन तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये करके जो फिनाइल एलानिन साड़ी बॉडी या किसी बच्चे की बॉडी च कट्ठा होंदा है, उस बच्चे नू मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, उदे हेयर दा पिगमेंट, हेयर दा जड़ा कलर है अजीब जिहा हो जांदा है, स्किन दा कलर चेंज हो जांदा है, एग्जीमा एक स्किन दी डिजीज है वह हो जांदी है। मैं रिपीट कर दी हां, फिनाइल किटोन यूरिया दे विच एक जीन्स है नॉर्मल जड़ा ए वाली एंजाइम नू बनांदा एक्सप्रैस करांदा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, जिहड़ी एंजाइम दा काम की फिनाइल एलानिन तो टायरोसिन बनाना। हुण प्रॉब्लम की आ गई, जे ए वाला जीन्स प्रॉपरली एक्सप्रैस ना किया, उहदे च कोई चेंज आ गया, तो ए वाली एंजाइम नहीं बनूगी, जे ए वाली एंजाइम नहीं बनूगी तो फिनाइल एलानिन तो टायरोसिन नहीं बनूगा, जे फिनाइल एलानिन तो टायरोसिन नहीं बनेगा, फिनाइल एलानिन साडी बॉडी च इकट्ठा हो जाएगा, तो उस चीज़ नूं इकट्ठे होने हाइपर फिनाइल एलेनीमिया कहिंदे आ, जिहदे करके फिर बच्चे नूं मेंटल रिटार्डेशन या स्किन ते हेयर दा कलर एबनॉर्मल होना या स्किन दी डिजीज़ होण दा खतरा हो जाता है। दिस वॉज द सैकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, राइट। असी एक होर थर्ड एग्जाम्पल कर जा रहे हैं प्लियोट्रॉपी की, वह है पी सीड्स। पी सीड दे विच एक जीन्स है बच्चों विच इज़ रिस्पोंसीबल फॉर स्टार्च सिंथसिस, वो जीन है जिहड़ा नॉर्मली स्टार्च बनाता है, ठीक है। और यही वाला जीन जिहड़ा है वह साइज ऑफ द स्टार्च दे ग्रेन का कितना साइज उन्हें भी कंट्रोल करता है। इस जीन्स के दो अलील्स होंदे ने, कैपिटल बी स्मॉल बी, जे तो दोनों कैपिटल ने अलील्स तो इस नॉर्मल लार्ज स्टार्च ग्रेन पैदा करता है, पर इसी जीन करके इसी अलील्स करके सीड की शेप की होंगी राउंड, लार्ज स्टार्च ग्रेन ते राउंड शेप। जे एह वाले जीन दियां स्मॉल फॉर्म्स ने रिसेसिव फॉर्म्स ने तो स्टार्च ग्रेन स्मॉल पैदा होंगे तो सीड की होगा रिंकल्ड। तो जे हैट्रोजाइगस कंडीशन एक बी वड्डा एक छोटा है तो सीड की शेप तो राउंड होएगी, पर स्टार्च के जेडे ग्रेन होणगे ना वड्डे होणगे ना छोटे होणगे, इंटरमीडिएट होणगे। गल समझ लग गई, इत्थे मैनू ए समझ लगी, ध्यान ना सुनो, जीन्स इक्को ही है
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੀਲਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਸਮਾਲ ਵੀ। ਜੀਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ? ਇੱਕ ਸੀਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲਡ ਐਸ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਵਨ ਜੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਫਿਨਾਈਲ ਕਿਟੋਨ ਯੂਰੀਆ ਐਂਡ ਪੀ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ।